जीवन में कभी भी खुद नहीं करना चाहिए कुछ, जो भगवान कर रहे हैं, जो आपके बारे में वो सोच रहे हैं वो अच्छा है, बेहतर है। कभी कभी हम लोग को लगता है हमें ये मिल जाता, हम ये कर लेते, नहीं, जो नहीं मिलना था वो नहीं मिला, जो नहीं करना था नहीं किया, जो मिलना था वो मिला है। हाँ, आपके पास घास की झोपड़ी है वही मिलनी थी तो मिल गई, आपके पास महल है वो मिलने थे मिल गए, जो मिलना है वो मिलके रहेगा, नहीं तो। इसलिए कई बार हमको क्या लगता, भगवान ने हमारे साथ गलत किया ना, ईश्वर कभी गलत नहीं करते। कभी कभी हमारा नुकसान हो जाता है, हमें लगता गलत हुआ ना, उस नुकसान में भी फायदा है, सब्र रखो आगे का रास्ता नजर आएगा, धैर्य रखो। सुदामा के घर 4 दिन चूल्हा नहीं जला, उन्होंने धैर्य नहीं तोड़ा कि मैं इतना बड़ा भगत हूँ चूल्हा नहीं जल रहा। सुदामा गरीब थे, धैर्य रखा, भक्ति जारी रखी, प्रेम जारी रखा, विश्वास बनाए रखा, तो जो रोटी को मोहताज सुदामा दो लोगों के स्वामी बन गए कि नहीं। धैर्य रखना पड़ेगा, अच्छे वक्त का, अच्छे समय का इंतजार करना पड़ता है, जल्दी नहीं आता। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं। कोई सोचे आज की आज बच्चा पैदा हो जाए, कैसे संभव है? नहीं, उसको भी बनने में मां के गर्भ में 9 महीने का वक्त लगता है। यदि 7 महीने में 6 महीने में बच्चे पैदा हो जाते हैं ना, तो उनके जीने की उम्मीद कम बचती है, उनको उनका जो विकास होना चाहिए था मां के गर्भ वो नहीं होता, पहले निकल आते हैं। तो एक अच्छे बच्चे को 9 महीने लगता, समय लगेगा, परंतु विश्वास रखिए जो समय लग रहा है वो अच्छा समय होके आपके सामने आएगा। एक छोटी सी कथा मुझे स्मरण आ रही है, सुना देता हूं आपको। एक मणि थी, मणि, उस मणि से 3 चीजें मांगी जाए तो जरूर मिलती थी, तुरंत मिलती थी। एक सज्जन वो मणि लेके जा रहे थे तो पानी बरसने लगा, तूफान आ गया, उनको लगा कि आज हमें यहीं कहीं विश्राम करना चाहिए। एक घर नजर आया, वो घर पे विश्राम करने लगे, वहां पे पति पत्नी रहा करते थे। तो पत्नी की नजर पड़ी, भाई ये क्या रखा है आपके पास? उन्होंने कहा ये मणि है। क्या है? मणि। अच्छा, कितने की लाई? बोले लाई नहीं, मिली है, और जब मिली तो आकाशवाणी हुई कि इससे तुम 3 चीजें मांगोगे तो मिलेगी। पत्नी ने बोला आपने भैया मांगा? उन्होंने कहा मांग कर मैं बर्बाद हो गया, मांग कर मैं बर्बाद हो गया। ये मणि जो देती है ना, वो सारा सुख चैन हर करके देती है। पत्नी बोली नहीं नहीं, आपने गलत तरीके से मांगा होगा, एक बार हमें मौका दीजिए, हम मांगते हैं। उसने लाख समझाया, देखो मत मांगो, इस मणि से कुछ मत मांगना, ये देगी जरूर पर सुख चैन हर लेगी आपका। पत्नी नहीं मानी, पति पत्नी दोनों बोले नहीं नहीं, आप हमें एक मौका दीजिए। अब कई बार ना आप लोग मानते नहीं, जिद करने लगते, उन्होंने भी जिद करी। अब ये भाई साहब बोले ठीक है मांग लो। अब पति पत्नी ने डिसाइड किया क्या मांगे, 3 चीज मांगनी है, क्या मांगे? पत्नी बोली आप बताओ, पति बोला आप बताओ, पत्नी बोली 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। उस जमाने में 1 लाख रुपए बहुत होता था, लखपति। ये बहुत साल पुरानी घटना है, ये घटना है या कल्पना है, लेकिन इससे संदेश बढ़िया मिलेगा। बहुत पुरानी घटनाएं हैं, आजकल 200-500 करोड़ और वो 1 लाख। पत्नी बोली 1 लाख रुपए मांग लेते हैं। पति बोला ठीक है मांग लो। पत्नी ने कहा हे मणि जी, हमें 1 लाख रुपए मिल जाएं। कहा, मणि जमीन पे गिर गई, तुरंत 5 मिनट के भीतर दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी, दरवाजा खोला, आपके लिए 1 लाख रुपए। किसने दिया है? बोले आपका बेटा सेना में था, शहीद हो गया है, शहीद हो गया है, उसके लिए राजा ने 1 लाख रुपए पहुंचाए हैं आपके लिए। अब तो मां छाती पीटने लगी, विधाता क्या किया,
मेरा बेटा, बेटे के मरने के 1 लाख हैं ये, मिले तो, पर किस प्रकार से मिले? आपकी अनंत इच्छाएं, आपकी इच्छाएं ही आपके सुख चैन को हर लेती हैं, इस बात पर गौर कीजिएगा। अब दूसरा वरदान मांगना था, अब क्या मांगे? अब तो बेटा मर गया, अब क्या? अब मणि से मांगो, हे मणि जी मेरा बेटा मुझे लौटा दो। तुरंत दरवाजे पे दस्तक हुई, मां मैं आ गया। मां ने कहा, कहां है बेटा तू? मां मैं तेरे सामने तो खड़ा हूं, मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है? मां मैं तुझे देख सकता हूं, तू मुझे नहीं देख सकती, क्योंकि तब तक उस बच्चे का अंतिम संस्कार हो चुका था, शरीर जल चुका था, इसलिए उसका शरीर वापसी नहीं हुई, आत्मा बनके भटकने लगा। अब भला कौन से माँ बाप चाहेंगे कि मेरे बच्चे की आत्मा भटके, मेरा बच्चा प्रेत बना घूमे, भूत बना घूमे। तीसरा वरदान, तीसरा भी एक ऑप्शन था ना, तीसरा वरदान था कि हे मणि मेरे बच्चे को मोक्ष दिला दो। मोक्ष दिलाया, बच्चे का मोक्ष हो गया। 3 इच्छाएं जो थी खत्म, ऑप्शन खत्म, 1 लाख रुपए रख लो अपने पास। हाँ भैया, मैया जी, आप ये मत कहिए कि हमें दे दो, आप भगवान से ये कहा करिए, भगवान जो आप हमें देना चाहते हैं, जो हमारे लिए अच्छा हो वो हमें आप देना, हम नहीं मांगेंगे कि हमारे लिए। कभी कभी हम जो मांगते हैं, कभी कभी बच्चा जिद करता हमें गर्म दूध पिलाओ, उबलता हुआ दूध पिलाओ, क्या पिलाओगी आप? बच्चे को उबलता हुआ दूध कौन सी माँ पिलाएगी? पिलाएगी ठंडा करके, बच्चे को पता नहीं कि क्या सही है क्या गलत है। बच्चा तो आग की भट्टी की ओर चला जाता है, उसे पता नहीं कि यहाँ खतरा है, चला जाता है, उसे पता नहीं चलता क्या सही क्या गलत है, पर उसे पता है कि क्या सही क्या गलत है। इसलिए कहता हूँ कि आप कुछ मत मांगिए, बस भगवान से ये कहिए कि विधाता जीवन में मुझे वो देता चल जो मेरे लिए सही है, बस वो देता चल, मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे नहीं पता, इसलिए भगवान से क्या मांगना है क्या नहीं मांगना हमें नहीं पता, क्योंकि हमें प्रेजेंट पता है, फ्यूचर पता नहीं है। हम आज को देखते हैं, आज को जानते हैं, कल को नहीं जानते, पर कल को वो जान रहा है ना, इसलिए जो कल को जानता है उसको सब दीजिए और कह दीजिए कि अब सौंप दिया इसे, जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं कहीं आपके सुख चैन को समाप्त ना कर दे। एक बार मैंने सुना कि एक माँ बाप ने अपने बच्चे से कहा कि बेटा कम से कम 99% लेके आना, प्रेशर दिया बच्चे को, लाना 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 लाना, बच्चा नहीं ला पाया, उसे लगा नहीं लाया, आप कैसे मुंह दिखाऊं, आत्महत्या कर ली उसने, मर गया। एग्जाम के जब रिजल्ट आपने देखे होंगे तब ये केस अक्सर देखने को मिलते हैं, माँ बाप का टॉर्चर, माँ बाप की इच्छाएं बच्चे की जान ले लेती हैं। आपकी इच्छाएं बच्चे की जान ले गई कि नहीं? कि आपको 100 नंबर की कामना थी, बच्चे को अच्छे परसेंट से आप देखना चाहती थी, उस पे उसके दिमाग पे प्रेशर बना, मर गया कि नहीं? आपकी इच्छाएं, कभी ये मत कहिए कि हमें ये चाहिए। हाँ कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता कहती, अच्छा कर्म करते जाओ, अच्छी परवरिश देते जाओ, अच्छी शिक्षा देते जाओ, अच्छे संस्कार देते जाओ, फल भगवान पे छोड़ते जाओ, वो जो करेगा बढ़िया करेगा आपके लिए। अपनी जिद त्याग दीजिए, कभी कभी आपकी जिद के कारण आपका सर्वनाश हो जाता है, कभी कभी आपकी जिद के कारण आपके घर पे आग लग जाती है। मत करिए जिद, वो अच्छी नहीं है आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके परिवार के लिए, फिर भी कर रहे हैं। यदि मिलेगा, मेरी 5 किलो वजन उठाने की क्षमता है, 10 किलो लाद देंगे तो मर नहीं जाऊंगा। आपके भाग्य में जितना था मिल गया, उससे ज्यादा इच्छाएं कर रहे हो आप तो वो नुकसान देंगे। संतोष नाम की कोई चीज है कि नहीं? जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान।
जो विधाता ने दिया पढ़िया है, मुझे मजदूर बनाया ना, शायद मैं इसी के लिए पैदा हुआ हूं। ठीक है, ईश्वर की मर्जी में समझौता क्यों नहीं कर लेते? मैं मजदूरी करता हूं, ठीक है भाई मैं मजदूर हूं, खुश रहो ना अपनी लाइफ में। मैं डॉक्टर हूं, ठीक है खुश रहो। इंजीनियर हूं, हाँ हाँ खुश रहो। मैं सड़क साफ करता हूं, मैं झाड़ू लगाता हूं, मैं झाड़ू लगाने वाला नगर पालिका की मेंबर हूं, मैं सवेरे से झाड़ू लगाती हूं, कोई बात नहीं ना, आपको इसीलिए ईश्वर ने भेजा है, जाओ कर्म करो अपना, यही तुम्हारा कर्म है, उस कर्म को ही पूजा मानिए। जहां हो बुरे नहीं हो, मेहनत करके दो रोटी कमा रहे हो अच्छे हो, पाप करके चोरी करके करोड़ों कमाने वालों से आप अच्छे हो कि झाड़ू लगा रहे हो? कम से कम खून पसीने का तो खा रहे हो, मेहनत का तो खा रहे हो। ईश्वर ने जो दिया है आपको, फटी साड़ी दी है उसमें खुश रहो, 100 रुपए की साड़ी पहनने लायक हो ना उसमें खुश रहो, क्योंकि खुशी 1000 की साड़ी पहनने से नहीं मिलती, क्योंकि खुशी गले पे मैं 5 लाख का हार पहन के घूमू तो खुश हो जाऊंगा, खुशी मिल जाएगी। मेरी माँ खुशी साड़ियों में नहीं है, खुशी धन दौलत में नहीं है, खुशी तो बस संतोष में है। मेरे पास जितना विधाता ने दिया बहुत है मालिक, तेरा धन्यवाद, मैं तो इसके भी योग्य नहीं था, कम से कम तूने देखने को आंखें तो दी हैं, चलने को पांव तो दिया है। अरे उन लोगों से पूछो जो लोग अंधे हैं, आप तो फिर भी देख रहे हो ना, उन लोगों से पूछो जो पांव की चप्पल हाथ में पहन के चलते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा पोलियो ग्रसित, भगवान करे बीमारी किसी को ना हो, पर आपने कई बार मैंने देखा है कई लोग हाथ पे चप्पल पहन के चलते हैं, घिसट जो चप्पल पांव की होती है उसे हाथ पे पहन रहे हैं। उन लोगों से आप भले हो के नहीं, फिर भी शिकायत है कि विधाता तूने ये, विधाता तुम्हें वैसा बना देता तो क्या कर लेते? जो दिया है ना उसका संतोष नहीं है, उसका शुक्रिया अदा धन्यवाद नहीं है, बस शिकायतें हैं। शिकायतों में जिंदगी अच्छी नहीं होती मेरी माँ, मैं तो कहता हूँ शिकायत कभी नहीं होनी चाहिए, ना भगवान से, ना पति से, ना पत्नी से। यदि पति तुम्हें गाली देता है और गाल में थप्पड़ मारता है तो समझ लेना कि ये तुम्हारे पापों का ही फल मिल रहा है। किसको दोष दें हम? हमने कोई पाप किया होगा किसी जन्म में जिसका परिणाम हमें मिल रहा? पति मार रहा, किसी की पत्नी मारती है उसको पति को, तो तू रोता रोया मत कर, ये तेरे पापों का फल है, कभी किया होगा गलत उसका आज मिल रहा, क्यों रोता? किसी का बेटा मारता है तो मत रोइए ना, किया होगा अपने गलतियां। ये बात मैं नहीं कहता, शास्त्र कहते हैं को ना काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति दुख भोगता है वो अपने ही कर्मों से भोगता है, और जो सुख भोगता है वो भी अपने ही कर्मों से भोगता है। अच्छा बुरा आप ही बनाते हैं अपने जीवन में, हानि लाभ आप ही बनाते हैं अपने जीवन में, कोई किसी को नहीं देता, ना हानि ना लाभ ना सुख ना दुख, ये सब अपने कर्मों का फल है। ये सच्चाई कड़वी है पर मानो ना मानो आपकी मर्जी। जो मिलता है हमें अच्छा या बुरा सब हमारा ही अपना है, किया धरा, अच्छा किया था तो अच्छा मिल रहा, बुरा करेंगे जो बोया था वही ना काटोगे, पेड़ बोई बबूल का तो आम कहां से आए? जैसी करनी वैसी भरनी आज की अकल पाएगा। जहां हो यदि तुम बीमार हो तो भी भगवान का धन्यवाद दो के विधाता, लोगों को कितनी सारी बीमारियां होती हैं, तूने मेरी बड़ी बीमारी इतनी में ही टाल दी, तेरा धन्यवाद, तूने जो दिया उसका शुक्रिया अदा करो, बढ़िया है विधाता बहुत बढ़िया, जो मिल रहा बढ़िया। शिकायत करने से क्या होगा, रोइए फिर बैठ के किनारे, रोइए पूरी जिंदगी जा रही है रोते रोते, किस लिए पैदा भाई हो ये भी समझ में नहीं आया, बस रोते रोते मर जाओ, ये जिंदगी है? शिकायत करते रहो पति अच्छा नहीं, पत्नी अच्छी नहीं, बेटा, अरे कभी तो कहो कि अच्छा है, भले कोई अच्छा ना हो मन को अच्छा रखो, सब अच्छा है, मन तो अच्छा हो। और शिकायतें कभी मिटेंगी नहीं, जिनकी सोने की लंका थी उनकी शिकायतें नहीं मिटी, तो तुम्हारे घर मिट्टी के शिकायतें नहीं मिटने वाली। श्री नारद जी महाराज ने कहा, महाराज मैं दासी पुत्र था,
मेरी माँ बर्तन धुलती थी घर घर,